प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि की, और इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उनमें से पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है साइन 51° प्लस कॉस 81° और इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है कॉस 21° सिद्ध करके लाना है। तो चलो हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। इससे पहले मैं आपको फार्मूला के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो प्रश्नावली जो 6.1 था उसमें हम लोग जो फार्मूला उपयोग करते थे वो क्या था, 2 sin A cos B ऐसा होता था। और इसके बाद इसका जो साइन ए प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे साइन ए माइनस बी, तो इस प्रकार के मतलब फार्मूला से हमें क्या प्राप्त होता था, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता था ना। तो ये मान हम लोग रखते थे इस प्रकार के मान को, और इस प्रकार के मान को क्या करते थे, प्राप्त करते थे। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस प्रश्न में जस्ट अपोजिट करेंगे। अब ये जो मान है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा और इस प्रकार से हमें प्राप्त करना है, तभी ये प्रश्न हल होगा। और भी है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ सूत्रों के बारे में। तो 2 cos A cos B, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, cos A प्लस बी, फिर यहाँ पे भी प्लस और cos A माइनस बी। एक और है 2 sin A, और अगर sin B इस तरीके से हो तो यहाँ भी cos का ही सूत्र लगेगा, ठीक है। cos A माइनस बी पहले लगेगा, फिर माइनस, फिर cos A प्लस बी। तो ये जो तीनों सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो अभी जो प्रश्न है वो किस रूप में, देखो साइन और कॉस के रूप में है ना। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस है क्या, कहीं पे नहीं है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, कॉस कॉस है। तो इनमें से किसी एक मान को क्या करेंगे, साइन को चाहे हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, चाहे हम कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, तभी हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारा फार्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉस को कर देता हूँ, तो साइन 51° प्लस कॉस को मैं चेंज कर रहा हूँ ना साइन में, तो साइन में चेंज करूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा, देखो ये जो कॉस है ये 90° से, मतलब जो 81° है वो 90° से कितना कम है, तो 90° से कितना कम है, 9, है ना, 9° कम है। तो मैं कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90° माइनस 9, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। और ये रहा साइन 51° प्लस ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। और ये किस चतुर्थांश में, देखो 90° - θ जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश के सभी मान क्या होंगे, प्लस में होगा, है ना। प्रथम चतुर्थांश के सभी मान किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं। तो ये 90° - θ प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए इसका मान प्लस में आएगा। और ये चेंज किसमें होगा, साइन में, ये साइन में चेंज हो गया। और थीटा की जगह क्या रखना है, 90 रखना है कि 9° रखना है, 9° ना, पीछे वाले मान को ही रखा जाता है, ठीक है, 9°। समझ में आ गया। तो साइन 51° प्लस साइन 9° प्राप्त हो। अब देखो साइन और यहाँ भी साइन, दोनों जगह साइन साइन है, तो साइन साइन दोनों जगह है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरे के जगह पे हम ये मान रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब हमें प्राप्त हो गया इस रूप में, है ना, इस रूप में प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रूप में इसे रख लेंगे। तो 2 sin, और ये a और b कहाँ है, ये a और b रहेगा, तो यहाँ पे 51° लाइट बंद हो गया, 2 sin 51° प्लस 9° a b हो गया। और यहाँ पे नीचे में 2 करेंगे, 2 क्यों कर रहे हैं, आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे हम 2 क्यों ला रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो a और b दो संख्या है, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2, तो दो संख्याओं को जोड़ रहे, तो दो संख्याओं को जोड़ रहे तो 2 से भाग दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 संख्या होता तो 3 से भाग देते, 4 संख्या होता तो 4 से भाग देते। तो समझो कि यहाँ पे 2 संख्या, 1, 2, इसलिए इसे 2 से भाग दिया जा रहा है। समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद कॉस लेंगे और सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, 51°, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा 9°, ठीक, और ये
दो, दो संख्याओं को घटा रहे हैं इसलिए यहां भी दो ले रहे हैं। ये क्लियर हो गया। फिर दो साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 60 अंश अपान दो, और कॉस इन दोनों को घटाएंगे कितना होगा 42 अंश अपान दो। दो साइन तो ये हो गया, दो से भाग चला जाएगा 30 अंश आएगा, और कॉस यहाँ पे आ गया 21 अंश। दो गुणित साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, और कॉस 21 अंश। ये दो और ये दो कट गया, बचा क्या कॉस 21 अंश, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। क्लियर हो गया। पहला प्रश्न आपको समझ में आया? अगर पहला समझ में ना आए तो दूसरा से देख लेना, ठीक है? चलो दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा भी इतना ही आसान प्रश्न है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। तो दूसरा प्रश्न है साइन 38 अंश माइनस कॉस 68 अंश अपान कॉस 68 अंश माइनस साइन 38 अंश, इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है करनी 3 10 8 अंश सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ पे देखो सूत्र बनाने के लिए क्या मतलब हमें जरूरत किस चीज की होती है सूत्र बनाने के लिए, सेम टू सेम मान की ना। तो देखो साइन और यहाँ पे साइन होना चाहिए, कॉस यहाँ पे तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, तभी तो सूत्र बनेगा। नीचे में भी वैसा ही है, कॉस और साइन दिया है तो सूत्र तो बन नहीं सकता। तो क्या करेंगे, इनमें से किसी एक मान को सेम टू सेम करेंगे, ठीक है? चलो तो साइन को मैं जैसा है वैसा रहने देता हूँ, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो कॉस इसको लिख कैसे सकते हैं, 90 अंश माइनस 90 में कितना घटाएंगे तो 68 आएगा, 22 है ना, 22 घटाने पर 68 आएगा। तो मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेम वैसा यहाँ भी करेंगे क्योंकि यहाँ भी 68 है। तो कॉस को ही हम चेंज करें ना, तो यहाँ पे कॉस 90 अंश माइनस 22 अंश इस तरीके से, ठीक? हाँ, और यहाँ पे ये प्लस में दिया है प्रश्न, ये प्लस ले लेना। फिर यहाँ पे साइन 38 अंश दिया, जैसा वैसा रहने दो, ठीक है? इस प्रकार से प्राप्त हो गया। अब करेंगे क्या, देखो साइन 38 अंश ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 अंश माइनस थीटा, पाई जो है थीटा की जगह पे है, तो प्रथम चतुर्थांश में सभी मान क्या होते हैं प्लस में ना, तो ये जो है कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और ये 22 अंश आ जाएगा, ठीक है? पीछे के मान को थीटा की जगह में रखेंगे, सेम ऐसा ही यहाँ भी होगा, साइन 22 अंश प्लस साइन 38 अंश, ठीक है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? देखो बहुत बारीकी से मैं बता रहा हूँ और बहुत सरल भी है प्रश्न, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों मान किस में है, साइन और साइन में है, ठीक है? और ये साइन 22 अंश प्लस साइन क्या दिया है 38 अंश, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सूत्र लगाने वाले हैं। तो चलो सूत्र लगा दो। तो यहाँ पे ऊपर वाले में साइन का सूत्र लगेगा, है ना? तो साइन 2 sin AB, वैसे ही करते हैं ए बी, तो करेंगे ए बी करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए क्या करेंगे, इसको पहले घटाएंगे। साइन वाले में क्या करेंगे, घटाएंगे 38 अंश माइनस 22 अंश फिर अपान दो, और कॉस वाले में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 38 अंश प्लस 22, ये रहा दो। सेम नीचे में भी करेंगे, ठीक है? ये दोनों देखो किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम यही सूत्र लगेगा, दो साइन, लेकिन इस बार क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 38 अंश प्लस 22 अंश अपान दो, प्लस में था इसलिए ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है पहले वाले में, और कॉस वाले में क्या होगा, ये घटेगा, 38 अंश माइनस 22 अपान दो, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, 38 में 22 घटाएंगे तो 38 में 22 घटाने पर आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 9 ये आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 0 हासिल है 1, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है? चलो
तो यहां पे दूसरे साइड में मैं आपको बता देता हूं, तो ये हो गया 2 sin 16/2 अंश, और cos जो है वो कितना हो जाएगा 30/2 अंश, यही आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे साइन था, साइन वाले में आ जाएगा 30 अंश/2 आ जाएगा, और कॉस वाले में आ जाएगा 16/2 अंश आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये और ये सेम टू सेम है, दो दो दोनों में है, तो दो दो दोनों में, तो मैं दोनों को यहां से काट देता हूं पहले से, है ना। अब ये 2, ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो 8 अंश आ जाएगा, तो 2 sin 8 अंश इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये तो 60 अंश है ना, मैं अभी से क्यों काट रहा हूं, ठीक है, कॉस ये 30 अंश होगा, और ये रहा साइन 30 अंश इंटू कॉस 8 अंश, ठीक है। तो 2 sin 8 अंश, और इसका मान कितना होगा त्रिकोणमिति सारणी से, तो ये होता है करणी 3/2, यही होगा, तो रख देते हैं। फिर इसका मान होगा 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ तो मैं 2 काट दिया हूँ यार, बार बार मैं लिख रहा हूँ, भूल जाता हूँ ना, देखना यहाँ पे ध्यान देना ना, मैं लिख देता हूँ कई बार, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। तो ये हो गया 1/2, 1/2, और यहाँ पे कॉस 8 अंश आ गया, ठीक। ये साइन और ये कॉस, ये साइन और ये कॉस क्या हो जाएगा, 10 बनेगा ना, तो 10 बना लेते हैं, तो ये बन गया 10 8 अंश बन गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है नीचे दूसरा पद में, और ये चौथा पद में 2 है, दोनों कट गया, ठीक है। और ये फिर से देखो, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा था, इसके वजह ये पहले से ही कट चुका है, बस हमारे पास ये दोनों मान है और ये दोनों ऐसे है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगा ना, तो सिर्फ करनी 3 बस को लिखो, और यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। तो इस तरीके से इसका भी उत्तर आ गया, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे बार बार 2 लिख रहा था ना, तो ये 2 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं था, बस बचा क्या था, ये दोनों मान, बस इन्हीं दोनों को हमने हल किया, इसके जगह पे हमने मान रख दिया और इसके जगह मान रख दिया, और ये दोनों को हमने 10 के रूप में लिख लिया, ठीक है। देख लो 10 8 अंश, और सिर्फ कटने के बाद कितना बचेगा, करनी 3, तो इस तरीके से करनी 3 आ गया। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको खुद बनाना है ना, 38 अंश + cos 22 अंश, इसके बराबर आपको सिद्ध करके लाना है cos 82 अंश, बन जाएगा। करोगे क्या, पहले देखो साइन या कॉस, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है ना, तो ये साइन में तो है, ये कॉस में है, तो कॉस को आपको क्या करना है, साइन में चेंज कर लेना है, तो 90 में कितना घटाओगे तो 22 आएगा, बस यही ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आसानी से ये हल हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है वो है sin 50 अंश + sin 10 अंश। देखो यहाँ पे दोनों साइन साइन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई सूत्र मतलब कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर देना है, सूत्र लगा देना है, और लाना क्या है आपको, cos 20 अंश लाना है, ठीक है, ये आ जाएगा आसानी से। बस आपको ध्यान से देखना है, मैंने जो अभी आपको क्वेश्चन बताया ना, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न सॉल्व करके भी बता दिया हूं मैं, तो बस उनको आप ध्यान से देखना कि वहां पे मैंने क्या क्या चेंजेस किया, सेम टू सेम वैसा ही आपको करना है, बाकी ये दोनों प्रश्न बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा। और इसमें बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए मैं सबको नहीं बता सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो अभी मैंने जो समझाया, अगर उस टाइप के प्रश्न है तो सबको मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बनाने के लिए दे सकता हूँ, आप लोग बना के देखना, बिल्कुल बन जाएगा एक ही बार में। साइन 105 अंश + cos 105 अंश बराबर cos 45 अंश। देखो ये जो है ना, ये 90+θ से मुझे लग रहा है ओवर जा रहा है, अगर ज्यादा जाएगा तो फिर क्या करोगे। चलो इसको हम लोग देखते हैं बना के, पांचवा प्रश्न ट्राई करने में क्या हर्ज है ना, बना के देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। देखो साइन और ये कॉस में दिया है, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी एक को ही मैं चेंज करूंगा, है ना। तो ये हो गया साइन 105 अंश, मैं कॉस को ही चेंज कर लेता हूं, तो ये कॉस 90 से कितना अधिक है,
90 अंश से ये कितना अधिक है, 15 अंश अधिक है ना, तो अधिक वाला ऐसा लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया साइन 105 अंश प्लस ये चेंज हो जाएगा साइन में, साइन में, और ये साइन 90 प्लस थीटा है मतलब 90 से ऊपर द्वितीय चतुर्थांश में चला गया। तो द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक के मान क्या होते हैं, माइनस में होते, प्लस में होते हैं, बाकी सभी मान किस में होगा, माइनस में। तो ये तो कॉस है, तो कॉस का जो मान है वो किस में रहेगा, माइनस में, इसलिए ये साइन का जो मान आ जाएगा परिवर्तन रूप वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में प्राप्त हो गया 15 अंश। फिर साइन 105 अंश प्लस, नहीं प्लस क्यों होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस साइन 15 अंश। अब सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र क्या है, 2 साइन, पहले ए और क्या करते हैं, बी को घटाते हैं ना, तो 105 अंश में मैंने 15 अंश को घटा दिया और यहाँ पे नीचे में 2, फिर कॉस, जब माइनस रहेगा तब आपको ऐसा करना है ना, और इन दोनों को क्या करना है, बी में जोड़ देना है, 105 अंश प्लस 15 अंश, ये रहा हमने जोड़ दिया। तो 2 साइन घटाएं कितना आएगा, 90, तो ये आ गया 90 अंश अपान 2, और कॉस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 अपान 2। तो 2 साइन घटा, इसको भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 45 अंश, और कॉस इसको भाग देंगे कितना होगा, 60 अंश। ठीक है, यही प्राप्त होगा। ठीक है, दो साइन 45 अंश, और इसके जगह पे मान रख देते हैं कितना होता है, कॉस का 1/2 होता है ना, तो ये 1/2, 1/2 मैंने काट दिया। ठीक है, साइन 45 अंश का मान भी आपको पता है कितना होता है, साइन 45 का 1/2 होता है ना, लेकिन हमें देखो उत्तर किस में चाहिए, कॉस 45 में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन 45 को हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। तो साइन 45 को अगर मैं चेंज करूँ तो कैसे चेंज होगा, तो देखो साइन 90 अंश में कितना घटाएं तो 45 आएगा, 45 ना, तो ये रहा 45 घटा देंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या हो जाता है, ये कॉस जो है 45 अंश यहाँ पे प्राप्त हो गया, और यही हमें क्या करके लाना था, सिद्ध करके लाना था। देखो कॉस 45 यहाँ पे सिद्ध हुआ, तो देखो इस तरीके से प्रश्न को बनाया जाता है, आसानी से सिद्ध भी कर दिया मैंने। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1/2 रख सकते हो, लेकिन जब आप देखोगे कि कॉस 45 अंश का मान भी करनी 1/2 होता है, तो उसके जगह पे आप डायरेक्ट रख सकते हो कि ये जो रहे है ना, ये कॉस 45 अंश डायरेक्ट आप रख सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है, चलो अब देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है छठवां प्रश्न। साइन दिया हुआ है 5π/18 माइनस कॉस 4π/9 दिया हुआ है, और इसके बराबर हमें सिद्ध करके लाना है करनी 3 sin 9π। ठीक है, तो जहां जहां पे पाई लगा है ना उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अगर इससे क्या होगा ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो छोटा करेंगे तो आसान हो जाएगा है ना, तो पहले छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, देखो पाई का मान कितना होता है, 180। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, 18 से भाग देंगे तो ये 10 से आ गए, 10 × 5 कितना होगा, 50, तो ये हो गया 50 अंश। फिर माइनस 4π, तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, 180 अंश को 9 से भाग करो तो 9 × 2 = 9 0। ठीक है, 20 आ गया, 20 × 4 कितना होता है, 80, तो कॉस ये 80 अंश आ गया। ठीक है, और इसके बराबर हमें सिद्ध करके क्या लाना है, करनी 3 sin, और ये 9 नहीं है, ये पाई है, π/4, इसका मतलब क्या है, 180 को 4 से भाग दोगे कितना आएगा, 45 अंश आएगा ना, तो 45 अंश लाना है हमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45 अंश। ठीक है, अब ये आपसे हल हो जाएगा, सेम इससे पहले वाले जो प्रश्न था वैसा बन गया ना, आसान हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसको हल करके देखना है,
ठीक, छठवां प्रश्न आपसे बन जाएगा, सातवां देखते हैं। बस क्या करना है आपको, इसको चेंज कर देना है, कॉस 80 को साइन में चेंज करना है। तो साइन 10 अंश आएगा, बिल्कुल वही तो आएगा ना, साइन 10 अंश, साइन 50 अंश, साइन 10 अंश, उसके बाद सूत्र लगा दो, बस हल हो जाएगा। फिर कॉस पाई बाई 12 दिया हुआ है माइनस साइन पाई बाई, यहाँ भी 12 दिया हुआ है और यहाँ पे लाना है 1/2। ठीक है, चाहे वो कॉस में हो सकता है चाहे वो साइन में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का 45 साल में कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो आसानी से आ जाएगा। बस क्या करना है हमें, इसे छोटा कर देना है। तो ये कितना होगा भाई, 180/12 करो तो ये, एक सेकेंड मैं इसे काट देता हूँ, कितने के पहाड़ा से, 4 के पहाड़ा से, 4 तिया और ये हो गया 45 है ना, और ये कट रहा है 3 के पहाड़ा से, 3 एकम 3 पंचे 15 अंश यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस, कितना लिख सकते हो, 15। तो कॉस 15 अंश माइनस साइन, ये भी पाई बाई 12 है ना, तो यहाँ भी 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, और इसके बराबर आपको क्या लाना है, ये लाना है। तो चलो आसानी से अब इसे हल कर लोगे, हल हो जाएगा। देखो इस तरीके से रहता ना तो थोड़ा कठिन होता है ना, जब हम इसे इस प्रकार से हम जब इसे चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रश्नावली 6.2 के 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को बता दिया।